हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम वालों का। तो बात करेंगे ना आज आपके क्लास 10th की रचनाएं टॉपिक पिक किया गया है। रचनाएं टॉपिक काफी बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। भाई क्यों नहीं इग्नोर करना है और कैसे इस पे आउट ऑफ मार्क्स लेके आना है वो बताना मेरा काम है। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 1 रचनाएं यूपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 आपका है। टॉपिक कितने मार्क्स का है सर? 5 से 6 नंबर आराम से देखे जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं ना कि ये टॉपिक भाई बहुत छोटा सा टॉपिक है, 11.1 है, 11.2 टॉपिक हो गया क्लोज। क्लियर है? सर आप हर टॉपिक में, मतलब हर एक टॉपिक का हैशटैग नंबर 1 में ना आप तो फॉर्मूले सिखाते हैं, टॉपिक्स में डिटेल बताते हैं, बट रचनाएं में भी ऐसा कुछ डिटेल्स है क्या? बिल्कुल है। अगर आप रचनाएं का इस चैनल के थ्रू आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना भाई, तो 11 चैप्टर टॉपिक्स लिख के इस तरीके से बना लेना। 11.1 में किस टाइप के समय बता दूंगा, 11.2 में किस टाइप के समय बता दूंगा। ध्यान से सुनो, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। जो आपका 11.1 वाला जो टॉपिक है ना, कंपल्सरी 100% मैं यहां लिख के दे रहा हूं। कितने नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा सर? 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। वो भी किस टाइप वाले बनेंगे वो भी मैं बता देता हूं। ध्यान से सुन लो, समझ लो। ये अगर मैं बात करूं 11.1 ना, इसमें एक ही टाइप का सम है। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान थोड़ा शॉर्ट में लिखा देता हूं, बस और कुछ नहीं करना सर। ध्यान से सुनना, समझना, कि त्रिभुज का डिटेल दिया होगा और बोलेगा उसके जैसा ना दूसरा त्रिभुज बनाओ जो कि उसकी संगत भुजा के इतना गुना है। मतलब सर इसकी सिंपल पहचान आप लिखो मेरे साथ, संगत भुजा का, ये मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, 2/3। एग्जाम में ये ध्यान से रखो, चलो 2/4 लिख लो भाई, 4/7 कुछ भी आ सकता है, गुना हो। क्लियर? बस आपको ये सिर्फ पहचान लिखनी है। डायग्राम कैसे बनेगा ना वो ऑलरेडी आपको बताया जाएगा सिलेबस में। मतलब इसकी पहचान है इस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा और 4 नंबर के ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सर? ध्यान से सुन लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 4 नंबर इजिली देगा। बहुत हार्ड लेवल का मैं बोलूंगा यहाँ पे, बहुत हार्ड लेवल नहीं है। काफी बच्चे मैंने देखा है भाई कि बोलते सर बहुत हार्ड दिख रहा है और छोड़ देते, तो 4 नंबर सीधा हटा देगा। मतलब अदर टॉपिक से कंपेयर करो ना भाई इसका, तो 4 मार्क्स इजीली आपको देके जाएगा। और मैं अगर क्वेश्चंस भी आपको बता दूं इस टॉपिक्स में कितने क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन भी देखो ना आप, क्वेश्चन में लिमिटेड है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 ही क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में जब एक क्वेश्चन अपने को आएगा ही आएगा ना, तो प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। मतलब 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं और सर 4 मार्क्स अगर दे रहा है तो किसका लॉस है ये बताओ पहले आप। आप ये बताओ, अगर आप टॉपर्स की कैटेगरी में हो, एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में, या फिर मैथ्स आपको बहुत ज्यादा कमजोर है ना, तो 7 क्वेश्चन करो और ये 4 नंबर ले लो। क्लियर है? रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, हाथ से ड्रॉ आपको बनाना है, मींस ड्रॉ करना है। सिंपल है, क्लियर? सिंपल है सर, बहुत सिंपल। आपने सिर्फ पहचान बता दिया, डायग्राम कैसे बनेगा वो नहीं बताया। तो डायग्राम भाई इसका थोड़ा सा बड़ा बनता है और इसमें ऑलरेडी फिर 2 टाइप बनेंगे, तो ऑलरेडी जब वीडियो चालू होगी तो वहां पे बताऊंगा, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। सम की पहचान के साथ करा के दे दूंगा ताकि टेंशन आप लोग का दूर हो जाए। 7 क्वेश्चन ज्यादा भी दिखेगा तो 2 पार्ट में कर दूंगा, दोनों टाइप का अलग अलग, और बहुत अच्छे से पहचान करा के दे दूंगा। 4 नंबर लेके आना है सब बच्चों को, जो बच्चे सीरीज के साथ जुड़ते हैं। बात करेंगे सर, ये जो 11.2 है ना, इसमें से 1 मार्क्स का नहीं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। क्वेश्चन कितने करने हैं सर? क्वेश्चन 7 ही क्वेश्चन करने हैं, 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर देके जाएगा। अब यहां ध्यान रखना, जो लोअर बच्चे बोलते सर 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और 1 क्वेश्चन आएगा, या फिर ध्यान रखना, सुनना, समझना, ये कंपलसरी नहीं है, 2 का ही बनेगा। मतलब 2 2
शब्दों के दो भी हो सकते हैं, नहीं तो सरप्राइज भी मिल सकता है, पता चला चार मार्क्स का टॉपिक यहां से भी उठा के दे दिए। क्योंकि ध्यान से सुनो समझो, रचनाएं जो टॉपिक है ना त्रिभुज के साथ मिला के 12 नंबर का टॉपिक बनाती है, त्रिभुज रचनाएं मिला के 12, तो ऐसा कंपलसरी है कि भाई पता चला सरप्राइज मिल गया, चार का यहां से भी दे दिए, चार का यहां से दे दिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी जो बच्चों ने ना ये 11.2 नहीं किया। देखो मेरा सजेशन है बहुत सिंपल कि रचनाएं टॉपिक सबसे सिंपल है भाई, जिसका मैथ्स बहुत ज्यादा बेकार है, मैथ्स से बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, मैथ्स से घबराहट हो रही है ना, तो रचनाएं एक फ्री टॉपिक है जहां पे ना भाई मैथ्स का कुछ काम ही नहीं है। मतलब आपको थोड़ा बहुत आता है भाई, कोण और नाप लेते हो, चांदा पटरी से क्या कर सकते हो, चांदा बोलते हैं, डी बोलते हैं भाई, डी से कोण माप लेते हो क्या, चाप लगा लेते हो क्या, बस ना, तो 7 नंबर 5 से 6 नंबर लो ना भाई, 4 नंबर इसका ले लो, 1 से 2 नंबर इसका ले लो। सर 11.2 की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें देख लो, सुन लो, समझ लो, पहला टाइप का जो सम है ना सर, यहाँ पे आप फिक्स लिख लो सर, होता है दूरी। मतलब क्वेश्चन में ना दूरी दिया होगा, क्या लिखा होगा सर, दूरी दिया होगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑलरेडी दिखेगा, या फिर अगर आप बुक लेके बैठे हो ना भाई, 11.2 ओपन कर लो, क्वेश्चन में सीधा सीधा पहचान दिखा देता हूं। सर क्वेश्चन नंबर 1 में ना क्लियर लिखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, दूर बोला भाई, दूर मतलब दूरी ही तो हुआ, क्लियर हुआ सर, तो उसकी पहचान है सर, पहला टॉपिक है दूरी वाले। और आपको पहचान करा देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी। मतलब पहला सम तीसरा सम कुछ दूरी वाला आ रहा है क्या सर, दूरी वाला आएगा तुरंत माइंड में ना, एक ये जैसे रफ सर्कल बना रहो, रफ आकृति बना रहो, तो भाई गोला परफेक्ट नहीं बनेगा, कुछ डायग्राम सिर्फ आपको दिखाता हूं कैसे बनेगा भाई, इस तरीके से बाजू में बना लेना कॉइन लेके, सिक्के होते ना चाप मत लगाने लगा, सिक्के होंगे ना 2-4 रुपए वाले, जो भी मीन्स 2 वाले 5 वाले 10 वाले लेके घुमा लेना, ध्यान से देखो समझो ध्यान से देखो, इसका डायग्राम एक कर रहा हूँ आकृति में बना रहा हूँ, कि इसका डायग्राम ना सर ऐसे वाला बनेगा, ऐसे वाला बनेगा, क्लियर है। माइंड में क्या रहता है ना, रफ आकृति से ना हमको एक आइडिया चल जाता है कि सर ने एटलीस्ट ये बताया था कि दूरी वाला आएगा ना सर, तो ये डबल सर्कल वाला आएगा, ये याद आ जाता है, क्लियर हो गया सर। इसमें एक और टाइप है, मतलब देखो ना सिंपल से दो टाइप दे के ना आपको 1 नंबर 2 नंबर या सरप्राइज मिला तो 4 नंबर दे रहे, तो क्या टेंशन है भाई, वो भी 7 क्वेश्चन में। मतलब दूरी वाला है सर ऐसे कर लूंगा, सर दूरी नहीं आया तो क्या करूंगा, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो, सर दूरी नहीं आया तो ध्यान से देखो, इधर ये हमारा रहेगा वृत्त, ये होता है हमारा केंद्र, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर, एक चाप यहां लगेगा, चाप यहां लगा, चाप यहां लगा, चाप यहां लगा, और सीधा लाइन आएगा, सीधा लाइन मेरा सीधा नहीं देखो दिख रहा होगा क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, तो बच्चे कमेंट ना करना भाई, समझ के चलो कि सर ये वाला टाइप कब बनेगा, तो मैंने बोला ना जब दूरी का दूरी कट कर दे रहा हूं, मतलब दूरी नहीं दिया होगा, क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर, सिंपल भाषा में लिख दिया भाई, दूरी कट किया मतलब दूरी क्वेश्चन में नहीं दिया, तो ये वाला डायग्राम बनेगा, मतलब स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, दूरी दिया तो डबल सर्कल बनेगा। इसमें मैंने बता दिया ऑलरेडी, संगत भुजा का इतना गुना दिया होगा, और इसमें भी 2 टाइप है, कितने टाइप है सर, 2 टाइप है, यहीं पे चलो ये भी क्लियर कर दूं, नहीं तो काफी बच्चे टेंशन में आ जाएंगे। सर इसमें कितने टाइप है, सर 2 टाइप है, टाइप 1 लिख देता हूं और टाइप 2 लिख देता हूं, और ध्यान रखना बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सिंपल सी पहचान है भाई, टेंशन मत लो, आप लोग करा देता हूं। सर 3/5 दिया होगा, 4/7 दिया होगा, 5/7 दिया होगा, दूसरे में सर 5/4 दिया होगा, 5/3 दिया होगा, 7/5 दिया होगा। सर पता कैसे चलेगा, पहचान का लॉजिक कुछ बताइए, ध्यान से सिंपल देखो लॉजिक है भाई, ऊपर छोटा संख्या है, नीचे बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, टाइप 2 में ना बड़ी संख्या ऊपर होगी, छोटी संख्या नीचे होगी, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी नीचे, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, तो डायग्राम कैसे बनेगा ना भाई, इसके लिए ये वाले पे सेपरेट एक वीडियो लेके आऊंगा, इस पे सेपरेट एक वीडियो लेके आऊंगा, मतलब सिंपल सा वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा
समझाऊंगा नहीं, और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दो में से मुझे ही पता है कि ये चार मार्क्स आपको दे के जाएंगे ना, तो टेंशन नहीं, एक एक सम बहुत आराम से करेंगे और चार मार्क्स आपको दिला के दे देंगे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। टाइप में ऐसा लिख लेना, जब हमारा टॉपिक चालू होगा तो और अच्छे से माइंड में फिट हो जाएगा कि सर ने यहाँ पे क्या बोला था इंट्रोडक्शन पार्ट, तब आपको और डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा। कब? जब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे तब। तो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट जो हमारी इस टॉपिक पे वीडियो आएगी सर, किस पे? रचनाएं पे। कोई फॉर्मूला रटने को सर ने नहीं दिया, एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेना कि सर ने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दिया था ना, जो आप इसको नोट डाउन कैसा भी कर रहे हो ना, अपने वर्डिंग में अपने तरीके में ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना भाई, देख लेना कि सर ने क्या बताया था। याद जैसे आएगा ना, जैसे ही वीडियो मिलेगी पूरी चीजें माइंड में फिट हो जाएंगी आपके। क्लियर है? और आपका इस टॉपिक से ना भाई 5 से 6 नंबर या फिर 8 नंबर ना आराम से मिल जाएगा। टेंशन घेऊ नका भाई, टेंशन नहीं लेना है, मतलब भाई टेंशन नहीं लेना है इस तरीके से। और वीडियो, अगर वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर फील हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है ना भाई, कमेंट कर दो। और बार बार बोलता हूं, जो टॉपिक टफ लग रहा है, जो टॉपिक आपको सबसे हार्ड लग रहा है ना, तो उसके बारे में कमेंट करना, वीडियो उसको इजी से इजी बना दूंगा अपने वर्डिंग में। बट मेरा सजेशन है भाई, टॉपर्स बच्चे, एवरेज बच्चे, लोअर बच्चे, पहले ऐसे टॉपिक पिक करो जो आसान हो, जिस पे नंबर्स आउट ऑफ मिल जाए, जिससे रचनाएं हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, सांख्यिकी हो गया, क्लियर हो गया। ये देखो ऐसे ऐसे टॉपिक्स है ना, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के तो खेल है, पूरे आउट ऑफ नंबर मिलेंगे। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स हमारे हो जाते हैं द्विघात समीकरण के, कुछ टॉपिक्स हमारे हो जाते हैं युगपत समीकरण के। तो पहले आप इजी टॉपिक्स के साथ खेलो। अब आप डायरेक्टली, काफी बच्चे मैं देखता हूँ ना, पढ़ने में थोड़े से एवरेज है या फिर लोअर है, मतलब कमजोर है, वो सीधा त्रिभुज पढ़ना चाहते हैं, वो सीधा त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम है भाई। पहले आप बेस से तो स्टार्ट करो, आप सीधा बड़े टॉपिक में कूदोगे तो क्या प्रॉब्लम, मीन्स कन्फ्यूजन प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। तो इससे बेस्ट है जो टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, कंटिन्यू सीरीज के साथ चलते चलो। और देखो ना, हैशटैग 1 से लेके स्टार्ट करता हूँ, ताकि कोई वीडियो में ढूंढना नहीं, ढूंढना भी ना पड़े। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना, प्लेलिस्ट में आप जाओगे, हर एक टॉपिक हैशटैग वाइज आपको मिलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट कर देना। बस एक रिक्वेस्ट रहती है वीडियो में भाई, कि आपको इस चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि बहुत सारे बच्चों को भी बेनिफिट मिले और 10th क्लास के ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ते रहे, ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे और सर को बेनिफिट्स मिलता रहे, सर का चैनल थोड़ा सा प्रमोट होता रहे। और सर का चैनल प्रमोट होगा तो इससे मिलेगा सर को मोटिवेशन, और मोटिवेशन मिलेगा ना भाई, तो कंटिन्यू वीडियो आपकी इसी तरीके से मजेदार वीडियो, मैथ्स को अपने तरीके में समझा के दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दूंगा। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड कर दिया करो भाई लोग, और अपने दोस्त यार जहां भी बना के रखे हो ना, कॉलेज में, क्लास में, स्कूल में, गांव में, शहर में, जहां भी बनाओ ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल से मिले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे इसके अगले पार्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।